उत्तराखंड शासन द्वारा लोक निर्माण विभाग की समस्याओं का समाधान न किए जाने के कारण उत्तराखंड पुनर्संघ लोक निर्माण विभाग आज द्वितीय क्रम के तीसरे दिन के कार्मिक धरना कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहा है, जो कि पीरोल्डी के मुख्यालय अभिनय कॉलोनी में धरना लगाया हुआ है और उसके खिलाफ आज ये धरना कार्यक्रम चल रहा है। दर्शन देते रहे हमें हमेशा मेयर साहब महासंघ के संरक्षक पद पर भी वो आशीर्वाद दे रहे हैं। महासंघ के हमारे जुझारू मेहनती और सबका ध्यान रखने वाले प्रांतीय अध्यक्ष बड़े भाई नोटियाल साहब, महासंघ के पूर्व महासचिव बड़े भाई फैनोली जी, संघ के प्रांतीय मंडलीय जनपदीय खंडीय पदाधिकारीगण और मेरे साथियों, आज इस धरना कार्यक्रम का तीसरा दिन है। पूरे जोश के साथ सभी साथी लगे हुए हैं। कुछ साथी जो सुबह थे शाम को रोज ही देख रहे हैं कि उपस्थिति उनकी कम हो जा रही है। ये नहीं होना चाहिए। हमें जब तक धरना कार्यक्रम चले तब तक मजबूती से सबको बैठे रहना ही है। शासन प्रशासन में इस धरने की कुछ हलचल तो है, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ना हमारी कोई मांग है, ना कोई सरकार के ऊपर वित्तीय भार इससे पड़ना है। हमारा तो कहना केवल इतना है कि जो ये समस्याएं पैदा कर दी गई हैं, इनका हल करो भाई। डीपीसी क्यों नहीं कर रहे हो? सब विभागों में डीपीसी हो गई है, आप लोनिया में क्यों डीपीसी नहीं कर रहे? हमारे यहाँ सहायक अभियंता से लेके और ईएनसी तक सब प्रभारी हैं, जबकि पद खाली है। ईएनसी के पद खाली है, चीफ के पद खाली है, एक्शन के पद खाली है, 33 पद एक्शन के खाली है आज की तारीख में, लेकिन डीपीसी नहीं कर रहे। कारण क्या है ये हमें भी समझ नहीं आ रहा। और जब एक्शन की नहीं हो रही है तो ए की भी नहीं हो रही है। 22-23 पद ए के आज की डेट में खाली है, एक्शन की डीपीसी हो जाती है तो 45-50 हो जाएंगे, नहीं कर रहे। तो कारण समझ नहीं आ रहे कि है क्या। और जब से हमारे नए प्रमुख सचिव आए हैं तब से समस्याएं ज्यादा बढ़ गई है। अब एक ही जो चीफ इंजीनियर हेडक्वार्टर है, उपोस्टमैन जैसा हो गया है, संघ ने चिट्ठी दी तो उसको वहां भेज देगा शासन या जनरल चीफ को, और उसका काम हो गया। तो शाम को 5 बजे अपना हाथ मले और चल दिए घर। मेरा तो अध्यक्ष जी से यही अनुरोध रहेगा, क्योंकि हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक साथी साथी हैं, उनसे भी विचार विनिमय में कर लिया जाए महासंघ अध्यक्ष जी से और संरक्षक साहब से, कि सोमवार को इनको ताला लगा के ऑफिस से बाहर कर लिया जाए। चीफ इंजीनियर को अगर सहमति बनती है तो इसके ऊपर भी एक कार्रवाई कर दी जाए। ये तो हम यहाँ बैठे हुए और ये ऊपर बैठे हुए, वो भी सोच रहे बैठे रहने तो कितने दिन। चलो 10 दिन का हमने प्रोग्राम दिया है, 10 दिन बैठे रहेंगे, लेकिन अगर सोमवार को इनका क्रियाक्रम करने का कोई डिसाइड होता है तो फिर वो भी कर लिया जाए। सहमति तो इसमें अध्यक्ष जी की होगी, सदस्य और पदाधिकारी तो मुझे काफी लोगों ने बोला है कि ऐसा कर लेते हैं। मैंने कहा अध्यक्ष जी की सहमति होगी तभी हो पाएगा। और हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं
मार्गदर्शन वही करेंगे, क्योंकि इसके जो रिपरकेशन होंगे फिर वो भी हमें आगे देखना है, उसके ऊपर भी सोचना पड़ेगा। तो उत्तराखंड राशन माता जिंदाबाद, उत्तराखंड प्रमाण्य माता जिंदाबाद, उत्तराखंड राशन लोक में जिंदाबाद। घटक समलोनी के अध्यक्ष भाई मेहरा जी, महासचिव भाई एस एस चौहान जी, चेयर के हमारे बिलावल बंधु और बहनों, सर्वप्रथम घटक संघ को इस बात के लिए हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक बधाई देना चाहूंगा कि कठिन कोरोना काल के बाद सफलता उत्तराखंड डिप्लोमा महासंघ के किसी घटक का कोई आंदोलन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, और निश्चित रूप से आंदोलन कार्यक्रम प्रारंभ का होना संघ और महासंघ की मजबूत के लिए बहुत आवश्यक है। विगत डेढ़ दो साल से जो थोड़ा सा सुस्ती आ गई थी संघीय गतिविधियों में, निश्चित रूप से ये उसको यहाँ एक और आपकी मांगों को पूर्ति होगी, वहीं संघ और महासंघ की गतिशीलता बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। साथियों, एक प्रश्न हमारे साथियों के दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि धरना स्थल से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर महासंघ का कार्यालय और महासंघ का कार्यालय होने के बावजूद मेरी उपस्थिति 72 घंटे बाद लगभग तीसरे दिन की अंतिम बेला में, ऐसा क्यों? ऐसा बिल्कुल नहीं साथियों, कुछ परिस्थिति बल परसों मेरा स्वास्थ्य खराब था और कल हमारे पड़ोस में किसी की डेथ हो गई थी, हम मुंबई हमने घर नहीं आया, और आज सुबह जल निगम घटक संघ का प्रांतीय अधिवेशन था, आपके अध्यक्ष महामंत्री वहां थे, जल निगम मंत्री लेके आ गए थे, और मेरी बात ऐसा थी महासंघ के अध्यक्ष होने के नाते कि 2 बजे तक वहां बैठा, और मुझे इसलिए आने में इस कार्यक्रम में हमारा नैतिक दायित्व है कि मेरा कोई घटक संघ कोई कार्यक्रम चलाता है तो एज ए संरक्षक, एज ए गार्जियन हमारा दायित्व है, हम जाना ही जाना है, तो आप इसको कहते हैं कोई मंत्री नेपाली की किन परिस्थितियों में महासंघ की इसमें भागीदारी नहीं है, संभव तो मैं कल घटक संघ से जाए और यार आप वहाँ जाओगे तो ऐसे कह देना मैं आज नहीं आ पाया, और इसके बाद यकीन रखिए कि महासंघ नियमित रूप से जो है आपके इस कार्यक्रम में महासंघ की उपस्थिति हमारा प्रतिनिधित्व रहेगा। साथियों, जब मैंने आपका ये मांग पत्र देखा तो इस मांग पत्र में अगर विचार करेंगे तो निश्चित रूप से इसको यदि मांग रही है जो विभागीय उत्तराखंड प्रजलोनी जिंदाबाद, 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 उत्तराखंड प्रजलोनी जिंदाबाद, 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 आवाज दो, एक आवाज दो, एक प्रमुख बिंदा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रमुख बिंदा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना। इस धरना कार्यक्रम में घटक संघ ने जो पहल की है आपके मांग पत्र मेरे आपके जो मांग पत्र में मैंने देखा, कोई मांग ऐसी नहीं है जो बहुत बड़ी मांग हो, बहुत बड़ी मांग को उत्तराखंड आपकी तरफ से हमने उत्तराखंड अधिकारी समन्वय समिति के उस पर रखी हुई मांग पत्र, इसमें जो मांग है या तो उनका क्रियान्वयन होना है या प्रमुख सचिव स्तर की है, और लेकिन बड़े कष्ट के साथ मुझे स्वीकार करने में कहीं कोई गुरोज नहीं कि अगर कहीं शासन स्तर पर कहीं कोई झीका मुस्तैद कहीं है तो सबसे ज्यादा प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग क्या है। साथियों, निश्चित रूप से महासंघ के अध्यक्ष के रूप में जितनी बार मुझे मिला मुझे ऐसा लगा कि प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग पर किसी भी मंत्री का किसी का कोई अंकुश नहीं है। निश्चित रूप से आप महासंघ का जो उनके प्रति रवैया बिल्कुल शिकायत हमने माननीय मंत्री आपको देखा, पत्र मंत्री जी को देखा, और मुझे इस कहने में कहीं संकोच नहीं, जब हमने उनसे वार्ता का समय लिया तो संबंधित प्रमुख सचिव ने महासंघ से वार्ता न करके अपने अपर सचिव को बात किया, अधिकृत किया, तो आप लोगों के मतलब समस्या का समाधान हो, इसके लिए हमने अपर सचिव से बात की, लेकिन अपर सचिव से कोई समाधान नहीं निकल पाता, तो मैं इस मंच से उत्तराखंड डिप्लोमा महासंघ की ओर से और वर्षा प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग के और लोक निर्माण
सवाल जवाब की उत्तराखंड में महासंघ के अध्यक्ष होने के नाते कठोर शब्दों में घोर भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। अधिकार समिति की बैठक को बुला करके निश्चित रूप से महासंघ को भी जो है कुछ न कुछ संघर्ष मंडल का रहेगा और
जनपद देहरादून, जनपद टिहरी और जनपद उत्तरकाशी के बेरोजगारों साथियों साथियों कोई भी आंदोलन कार्यक्रम को हम प्रारंभ करते हैं तो और उसका जो अनुपालन हमें करना होता है तो सबसे पहले हमको जो है अपने से जो तेजो शुरुआत करनी होती है। प्रांतिक कार्यकारिणी की बैठक में जो भी आंदोलन कार्यक्रम पे जो चर्चा हुई उसमें जो आपके खंडों और जनपदों से आपने जो अपना फीडबैक दिया और मंडल कार्यकारिणी के द्वारा और प्रांत की बैठक में उसमें जो हमें सुझाव दिए गए या जो समस्याएं बताई गई उसी के परिप्रेक्ष्य में पूरे प्रांतिक कार्यकारिणी काफी गहन विचार विमर्श के पश्चात जो है एक आंदोलन कार्यक्रम की जो रूपरेखा आप लोगों के सम्मुख जो प्रस्तुत की उसमें सबसे पहले ये निर्णय हुआ था कि दोनों तीन दोनों के जो आंदोलन कार्यक्रम होंगे उसमें प्रांतीय कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारीगण और मंडल कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारीगण जो है प्रत्येक दिन उपस्थित रहेंगे। उसमें कितने लोग उपस्थित हो पा रहे हैं ये आत्मचिंतन का या आत्मज्ञान का जो विषय है क्योंकि हम किसी के ऊपर अंग उठाए उससे पहले जो है हमारे कि हम जो निर्देश स्वयं जो दे रहे हैं या हम जो जिस विचार विमर्श में जो सुझाव हमने दिए उसका अनुपालन जो हमारे द्वारा जो किया जा रहा है वो एक जो है गंभीर उसका विषय है। आप लोग जो है आज धीरे जन उत्तरकाशी और हरिजन से काफी संख्या में जो यहाँ सुन रहे हैं पूरा जो है धरना स्थल जो भरा हुआ था मुझे लेकर काफी खुशी हुई और आप लोगों ने जिस अनुशासन और संयम से जो है प्रत्येक वक्ता की बात जो सुनी यहाँ पर और जो वक्ता यहाँ पर आज बोले यहाँ पर उनके जो बोलने की वाकप्रतुता थी या जो वो अपनी समस्याओं को पेटी जिस प्रकार से वो पूरी स्टडी करके आए थे उनके विचार आपने सुने और इससे कहीं ना कहीं हमको जो लगता है कि संघ महासंघ का जो भविष्य आने वाली पीढ़ी है वो काफी उज्जवल है और इसमें कहीं ना कहीं जो आप लोग जो मेहनत कहीं ना कहीं जो रंग अवश्य लेके आएगी। मेरे पूर्ण वक्ताओं ने आपके समूह जो ये प्रमुख समस्याएं हमें पा रही हमारे गढ़वाल मंडल के अध्यक्ष भाई सुभेदा सैनी जी ने जो प्रथम बिंदु माना था जिसमें एक कार्यक्रम था उसकी जो सारी जो जो दस्यालय बिंदु उसमें थे उनका वाचन आपके सामने जो किया गया और सभी बिंदुओं का जो है जब उन्होंने बताया गया कि माननीय मंत्री जी के समक्ष जो है विभाग अध्यक्ष और शासन के जो अपर सचिव और जो नीचे के सचिव के सामने जो सहमति व्यक्त की अब उसका क्रियान्वयन जो किसको करना है जो सामने स्थिति की समस्या है जो शासन में करनी है जो प्रमुख मंत्री स्थिति की समस्या है उनको उनको उनका समाधान उनके द्वारा करना है। लेकिन आज ये समझ में नहीं आ रहा है कि उत्तराखंड सरकार को जो है प्रमुख का जो विभाग जो बनी हुई है उसको राज्य के मुख्यमंत्री चला रहे हैं या राज्य के मंत्री चला रहे हैं या प्रमुख सचिव जो जो रोनी चला रहे हैं तो प्रमुख जी जो रोनी का जो रवैया रहा है आपके प्रति बिजनेस के इंजीनियर के प्रति वो हमेशा जो नकारात्मक रहा है। अगर किसी जांच अधिकारी ने कोई सकारात्मक रिपोर्ट दे दी थी उनको पता चलता है ये जांच अधिकारी भी जो कहीं जाएंगे जो उसे जाए उसको दोबारा जो है वो जांच करने के लिए आईआईटी रोड के या आई कानपुर या पंद्रह उनको जो नोट कर दें तो मेरा आप लोगों से अनुरोध होगा कि जिस प्रकार जो है आप लोगों ने आंदोलन कार्यक्रम में थोड़े में भी जो है जिस भी आंदोलन कार्यक्रम 2015 में हुआ हो या 2018 में हो या अवर्तमान हो रहा है आपने जो जिस तन्मयता के साथ जिस ईमानदारी के साथ अपनी भागीदारी करी क्योंकि आप लोगों की संख्या बल को देखते हुए जो है हमें कहना कि जो पारक जो प्राप्त होती है उसमें हम जो हमें अपने आगामी कार्यक्रम जो का निर्धारण या उसको हम करते हैं तो आज शनिवार उसके बाद परसों 29 तारीख या 30 तारीख को जो है हम कोई ना कोई एक ऐसा निर्णय लेंगे कि चाहे वो तारामंदी हो चाहे फूलपुर हो तो 30 तारीख को मेरा जो जिन भी जनपदों का यहाँ पर जो टर्न होगा वो केवल पूरी संख्या में 100% केवल अपरिहार्य कारणों को छोड़कर जिनको बहुत ही व्यक्तिगत रूप से कोई काम जिनका जिनके फिजिकल उपस्थिति में वहां जो अगर जो नहीं चल पा रहा है तो केवल वही लोग अनुपस्थित रहे बाकी समस्त लोग जो है अगर यहाँ भीड़ ज्यादा रहेगी तो आपको कोई भी प्रोग्राम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर संख्या बल यहाँ पे कम रहेगा तो हमें कहीं ना कहीं जो है अपने कोई भी प्रोग्राम आगे करने में जो हमें जो हिचकिचाहट होती है आप लोग ने जिस प्रकार से भागीदारी करी है और संघ महासंघ का जो पूर्व इतिहास भी रहा हुआ है तो
आंदोलन में सफलता तो मिलनी निश्चित है, ये आप विश्वास रखिए। लेकिन सफलता का समय आपकी जो संख्या पर यहाँ पे जो उपस्थित रहेगा उस पर निर्भर करेगा, क्योंकि हम लोग जिस अनुशासन के प्रशासनिक अधिकारियों का या विभागीय अधिकारियों का या सरकार के मंत्रियों का हम लोग जिस प्रकार से वो करते हैं, उसी प्रकार से हम लोग जो यहाँ पर जब हम लोग धरने में आज बैठ गए या किसी आंदोलन कार्यक्रम में हम लोग आगे बैठ गए, तो उसी अनुशासन से उसी धैर्य से सभी वक्ताओं की बात सुने। और क्योंकि लंच के बाद मैं लगातार जो तीन दिन से यहाँ पर देख रहा हूँ, लंच के बाद उपस्थित भी है कुछ कम रहती है, तो जो भी जनपद के हमारे जनपद आज यहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं वो इस बात का अवश्य जो संज्ञान लेंगे कि लंच के बाद काफी संख्या यहाँ पे जो है कम हो जा रही है, वो अटेंडेंस लगा था यहाँ उसकी कॉपी उसकी जो ले रही होगी। और एक वैधानिक व्यवस्था भी है, बीच में टिहरी जनपद में काफी समस्याएं आई और टिहरी जनपद की आपके जुझारू जनपद अध्यक्ष जो समस्याएं हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, क्योंकि मैं भी जो टिहरी ग्रुप से जुड़ा हूँ, चाहे वो आपकी पत्र की समस्या हो चाहे कंसार की समस्या हो, तो एक संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार मैंने जब वो समस्या देखी आपका वहाँ पर संघर्ष कार्यक्रम जो छत्तीसगढ़ में जो शुरू हुआ था, वहाँ के व्यक्तिगत लोगों ने जो है मुझसे संपर्क भी किया, तो मैंने अपना जो है गढ़वाल मंडल के महामंत्री जी को टेक्निकल रूप से संपर्क किया। मैंने कहा अगर आप फिर जनपद के जनपद में कोई अगर दिक्कत है, अगर वहाँ के लोगों को कोई समस्या का समाधान अगर उनके स्तर से नहीं हो पा रहा है तो आप हमें बताएं, हम ऊपर से उसमें उस समस्या का जो समाधान कराएंगे। लेकिन मुझे बहुत हर्ष है कि फिर जनपद के जनपद अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम और उनके दोनों खंडों के जो बताए गए थे उन्हें जिस सफलता के साथ दोनों समस्याओं का जो समाधान किया उसके लिए भी मैं आपको जो बधाई देता हूँ। और ये बहुत अच्छी बात है, अगर आप व्यक्तिगत रूप से कोई चीज अगर आप समस्या ना करेंगे तो आपका एक्सपोजर वहाँ के जो अधिकारी होंगे उनके संभव होगा और इससे कहीं ना कहीं जो संघ और महासंघ को भी एक मजबूत स्थिति में आता है। तो मैं आगामी जो भी धरने के प्रोग्राम है उसमें जैसे सोमवार या मंगलवार को जो भी हम एक कार्यक्रम देंगे, तो मंगलवार के दिन जिस जनपद का जो यहाँ पे जो टर्न होगा उसमें सुबह ससमय अगर 11 बजे का समय निर्धारित है, वैसे समय 11 बजे हमने कहीं जो लिखा नहीं है, क्योंकि जब हम लोग अपने अपने कार्यक्रम में जो 10 बजे पहुंच जाते हैं तो धरने वाले प्रोग्राम में हम समय को क्यों नहीं पा ये भी एक सोचनी विषय है। तो मंगलवार को जिस भी जनपद का जो टर्न यहाँ पर होगा वो ससमय 10 बजे मतलब तो 10 बजे पूरी संख्या में यहाँ पर उपस्थित रहे और धर्म जनपद का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करूंगा कि वो लोग लगातार जब से हमारे प्रोग्राम यहाँ पर हो रहे हैं वो यहाँ पर उनके सदस्य यहाँ पे जो प्रतिभा कर रहे हैं और जो सदस्य कुछ लोग यहाँ पर जो नहीं आ पा रहे जैसे निर्माण के हितु लोग उनसे आप संपर्क करें, अगर कई समस्या आती है तो आप हमें अवगत कराएं, क्योंकि मैं नहीं जाता क्या व्यक्तिगत रूप से किसी सदस्य को गए। अगर कोई अधिकारी अगर आने धंधे में आने से अगर आपको रोक रहा है कोई समस्या पैदा कर रहा है तो आप हमें बताएं, उसको कहने में भी और करने में जो मजा आता है हम अपने सदस्य को डांटे मांटे तो उसमें मुझे ज्यादा जो है आनंद आ जाता है। मैं अपनी वाणी को विराम करूँ उससे मेरे बाद उत्तराखंड जिंदाबाद।